सियासी नेता अशोक मिथा लिंगराज भाई इस आज के इस आयोजन में शामिल चासी भाई और देश प्रेमी बुद्धिजीवी देश प्रेमी श्री कैरम इस देश में दो तरह के बुद्धिजीवी हैं एक जिन्होंने अपना जमीन को बेच दिया है और अपने स्वार्थ के लिए देश की चिंता छोड़ दी और एक मैं मान के चल रहा हूं आप जैसे लोग हैं जिन्हें इस देश की कुछ चिंता है। मैं माफी चाहता हूं कि उड़िया में या संबलपुरी में नहीं बोल पाऊंगा, हिंदी में अपनी बात करूंगा। और आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शायद इस समय देश के लिए और देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और जैसा लिंगराज भाई ने कहा ज्वलंत विषय। तो आज का जो ये मंथन है विचार मंथन ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कुछ आगे बात निकलेगी ऐसी करता हूं। ये जो उदारीकरण है इसके कई नाम है, जातिकरण, निजीकरण, जो एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको आर्थिक सुधार भी कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसको नव उदारवादी नीतियां भी बोलते हैं, नियो लिबरल पॉलिसी। और ये नाम भी बड़े भ्रामक हैं, गुमराह करने वाले हैं, ये शब्दावली है। जैसे जिसको उदारीकरण कहा जा रहा है वो किसके लिए उदार है, इस पर आज हम विचार करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो उदार है, लिबरल है, लेकिन इस देश के और दुनिया के बहुसंख्यक लोगों के लिए बहुत कंजूस है, कृपण है, क्रूर है और बर्बर है। तो ये शायद उदारीकरण नहीं, बर्बरीकरण है, जातिकरण नहीं, अमरीकीकरण है, या कहेंगे डॉलरीकरण है। सुधार या रिफॉर्म्स नहीं, ये हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं, हमारे पूरे जन जीवन को कई तरीके से बिगाड़ने का, डिस्टॉर्ट करने के उपाय हैं। और इस समय अभी देश में ये बहस चल रही है, जैसे कहा जा रहा है कि अब देश को दूसरी पीढ़ी के सुधारों की जरूरत है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये कि 1991 इस देश में एक तारीख मानी जा सकती है जिससे हमारे देश में काफी बड़े तरह के बदलावों की शुरुआत हुई। कुछ शुरुआत पहले से हो चुकी थी, लेकिन 91 जब भारत में विदेशी मुद्रा का एक संकट आया, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खाली हो गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से IMF से लोन लेना पड़ा हमको, और उसी के साथ उसकी शर्तों के साथ एक झटके में बहुत सारे हमारे नीतियों, कानूनों और अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव की शुरुआत हुई। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। शायद आधुनिक भारत के इतिहास में ये दो महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो बहुत कम गैप थे जिनमें, एक 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, गुलामी का अंत हुआ, अंग्रेजों की गुलामी का, और उससे मुश्किल से 44 वर्षों बाद मई 1991 की वो तारीख जब भारत सरकार की बागडोर नरसिंहा राव के हाथ में कम और मनमोहन सिंह के हाथ में ज्यादा आई। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, और आज फिर से
उप प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय उनके हाथ में आ गया। बीच में वो सरकार में नहीं भी रहे, लेकिन उनके द्वारा जारी की गई, शुरू की गई नीतियां बराबर चलती रही, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल की रही हो, देवेगौड़ा की रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, चाहे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा रहे हो, या जसवंत सिंह रहे हो, या चिदंबरम रहे हो, या प्रणब मुखर्जी रहे हो, तो आज 20 साल 21 साल दो दशक से ज्यादा समय हो गया है इन नीतियों के मूल्यांकन का, इनकी समीक्षा का एक वक्त आ गया है। हमारे जैसे लोग, किशन पटनायक जैसे लोग, शुरू से इनके खिलाफ बोलते रहे थे, चेतावनी देते रहे थे, वार्निंग देते रहे थे। तब कई लोग कहते थे, कुछ लोगों को समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, कुछ लोग कहते थे कि आप तो हमेशा विरोध करते रहते हैं। लेकिन अब तो दो दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है, पहले जिसको खतरा बताया जाता था वो अब सामने आ गया है, तो इसकी एक समीक्षा और मूल्यांकन का वक्त आ गया है। ऐसा सरसरी तौर पर, ऊपरी तौर पर देखें तो बहुत सारी उपलब्धियां नजर आएंगी, जैसे जीडीपी जो राष्ट्रीय आय है उसकी जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर पहले 2-3% रहा करती थी, अब 8-9% पर पहुंच गई। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बताया जाने लगा, इकोनॉमिक सुपर पावर, दुनिया के जो चोटी के, दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर लोग हैं उनमें भारतीय लोगों की नाम शामिल होने लगे। दुनिया के जो 10 सबसे अमीर लोग हैं उसमें 2 हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं, एक है मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, और एक है अंबानी, मुकेश अंबानी। और बहुत सारी चीजें आई, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, सॉफ्टवेयर उद्योग आया, भारत ने उसमें नाम कमाया, मोबाइल आए। अभी इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के जेब में मोबाइल होगा। कारें आई, मोटरसाइकिलें आई, कारों के नए नए मॉडल आए, तो प्रगति तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन इसके थोड़े पीछे, थोड़े नीचे, थोड़े जड़ में जाने पर तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। जिस भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति, उभरती हुई महाशक्ति बताया जा रहा है, जब दुनिया के देशों की लिस्ट बनती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम के हिसाब से, तो हमारा स्थान कहां रहता है? 132-133 दुनिया के कुल देश 180 करीब होंगे, तो आधे पर भी नहीं रहता है, बहुत नीचे रहता है पर कैपिटल इनकम के हिसाब से। दुनिया के इस समय सबसे ज्यादा भूखे लोग, सबसे ज्यादा कुपोषित लोग इस भारत देश में रहते हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग इस भारत देश में रहते हैं। और देखेंगे इसको, जो आजकल एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चला है उसके हिसाब से देखेंगे तो भारत और नीचे दिखाई देगा। अभी अभी किसानों की आत्महत्या के आंकड़े, नए आंकड़े आए हैं 2011 के। 1995 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसानों की आत्महत्या के अलग आंकड़े रखना शुरू किया। 1995 से लेकर 2011 तक इस देश में 2,00,000, यदि एग्जैक्ट फिगर आप चाहेंगे, 2,70,940 चासी आत्महत्या कर चुके हैं। ये भारत में
खेती के संकट का अभूतपूर्व दौर है। भारत का चासी हमेशा से गरीब रहा है, उसके शोषण पर ही बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं, बड़े बड़े महल बने हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं बनी हैं राजाओं महाराजाओं नवाबों को। लेकिन ऐसा मौका शायद कभी इतिहास में आया नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों को आत्महत्या करना पड़े। आत्महत्या आखिर क्या चीज है? जब इंसान की जिंदगी में उम्मीद की सारी किरणें खत्म हो जाती है तब वह एक कदम उठाता है। और यदि एक किसान आत्महत्या कर रहा है तो समझ लीजिए उसके पीछे 1,00,000 किसान ऐसे होंगे जो बुरी तरह त्रस्त होंगे, परेशान होंगे, संकट ग्रस्त होंगे। और ये जो संकट आया है भारत की खेती का, इसका पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक संबंध उन नीतियों से है जो हमने 1991 के बाद से अपनाए हैं। अमिताभ भाई यहां खड़े हैं, उड़ीसा के किसानों की आत्महत्या पर ये कुछ अपना कैमरा लेकर उसका अध्ययन कर रहे हैं, इनसे कल बात होगी। इन्होंने कहा कि जिसे जो पिछड़े इलाके जो पिछड़े जिले हैं जहां की खेती पिछड़ी है वहां आत्महत्याएं नजर नहीं आती, जहां खेती एडवांस्ड है, प्रगतिशील है, कैश कल्टीवेशन है, बाजार आधारित खेती पूरी तरह हो चुकी है, वहां जहां हरित क्रांति पूरी तरह आ चुकी है, सबुज क्रांति पूरी तरह आ चुकी है, वहां आत्महत्याएं ज्यादा नजर आती है। और देश के स्तर पर भी आप देखें तो जिन राज्यों में आत्महत्याएं ज्यादा है वो कौन से राज्य हैं? वो महाराष्ट्र है, वो कर्नाटक है, वो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है और पंजाब भी है। पंजाब हरियाणा इस देश में खेती की प्रगति के मॉडल है। कभी हमारे यहां कोई नेता आते हैं भाषण देते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस इलाके को पंजाब बना देंगे, हरियाणा बना देंगे। लेकिन अब पंजाब में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ा संकट में फंसी हुई है पंजाब की खेती। और पंजाब के किसान पंजाब को छोड़कर वहां जमीन बेचकर देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। ये जो संकट, इस संकट की जड़ें तो इस सबुज क्रांति में ही है जो एक नई खेती, आधुनिक खेती, लेकिन इसका एक दौर 1991 तक था जब इससे समृद्धि आती दिखाई देती थी, जब इसकी सफलता दिखाई देती थी। लेकिन 1991 के बाद इन नीतियों के तहत उसी सरकार ने एक एक करके ऐसे कदम उठाना शुरू किए जिससे खेती की लागत बढ़े, क्योंकि नई नीतियों का यह कहना था कि किसानों को सब्सिडाइज खाद देना, फर्टिलाइजर देना, सस्ता पानी देना, सस्ती बिजली देना, सस्ता डीजल देना ठीक नहीं है। तो किसानों की लागत बढ़ाना और किसान के खेत में जो पैदा होता है उसके बाजार को अंतरराष्ट्रीय बनाना, मुक्त व्यापार, और दुनिया के मुक्त व्यापार में इस किसान को, भारत के किसान को उस महासागर में असहाय छोड़ देना, कंपटीशन। और ये मानी हुई बात है, ये अब काफी चर्चा में आ गई बात है कि जिस भारत देश को, भारत की सरकारों को, भारत के योजना आयोग को ये सिखाया जाता है अमेरिका की तरफ से, जागतिक बैंक की तरफ से, कि
कि किसानों को सब्सिडाइज चीजें देना ठीक नहीं है, उनसे कॉस्ट रिकवरी पूरी होना चाहिए। वही देश, वही अमेरिका और वही यूरोप और वही जापान अपनी खेती को भारी मात्रा में सब्सिडी देते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं। समझ लीजिए वो कपास पैदा करते हैं, कॉटन पैदा करते हैं, तो कॉटन का जितना मूल्य है उससे ज्यादा सब्सिडी होगी। यदि जापान में गाय है, गाय पालते हैं, तो उस एक गाय पे 50,000 रुपए की सब्सिडी होगी, भयंकर सब्सिडी। तो जिसे मुक्त व्यापार कहा जा रहा है, जिसे फ्री ट्रेड कहा जा रहा है, वो वास्तव में फ्री नहीं है, वो एक बहुत डिस्टॉर्टेड मार्केट है, जिसमें ये देश, दुनिया की ये देश, भारत जैसे देशों की खेती को नष्ट करना चाहते हैं, यहाँ के किसानों को नष्ट करना चाहते हैं। और ये बात आपको कई जगह डॉक्यूमेंट्स में भी मिल जाएगी, थोड़ी सी भाषा अलग होगी, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे वो कहेंगे कि भारत के किसान अकुशल हैं, इनएफिशिएंट हैं, इसलिए यदि कंपटीशन में नहीं ठहर पाते हैं तो इनको खेती से हट जाना चाहिए। और वो कहेंगे कि देखो अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में मुश्किल से आज 2% किसान रह गए हैं वहां की आबादी, तो अमेरिका का मॉडल भारत में भी लागू करना चाहिए। लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं, वो क्या है? एक तो ये कि यूरोप में और अमेरिका में किसान, छोटे किसान, मध्यम किसान खेती से बाहर हो गए, लेकिन वो समय ऐसा था कि पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी, तो वो चले गए, खप गए शिल्पायन में और पूरी दुनिया के जो उन्होंने साम्राज्य कायम किया उसमें। आखिर अमेरिका क्या है? अमेरिका तो यूरोप के गोरे लोगों द्वारा बनाया गया एक साम्राज्य है, कब्जा किया हुआ। ऑस्ट्रेलिया क्या है? वहां के मूल निवासियों को खत्म करके उस पर कब्जा किया हुआ एक मुल्क है। तो ये जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की जो का जो दौर चला, वहां जो लोग खेती से बेदखल हुए वो खप गए उसमें। लेकिन आज यदि भारत की विशाल आबादी गांव से और खेती से विस्थापित होगी तो ये कहां जाएगी? ये हिंदुस्तान के नगरों में जाएगी, महानगरों में जाएगी और वहां के स्लम्स को बढ़ाएगी। जो भारत की सुपर इकोनॉमिक पावर था, इकोनॉमिक सुपर पावर भारत को बताते हैं, उसमें ये जानने लायक बात है कि हमारे बंबई जैसे महानगरों की आधी आबादी स्लम्स में रहती है, और हिंदुस्तान के नगरों के स्लम्स की आबादी को जोड़ेंगे तो वो पूरे ब्रिटेन की आबादी के बराबर होता है। तो उनके लिए कैसा जीवन है, कौन सा रोजगार है, कैसा भविष्य है, इस विशाल आबादी को यदि खेती से बेदखल करेंगे तो इसके ऊपर विचार करने की हमारे शासकों ने जरूरत नहीं समझी कि इसका क्या परिणाम। और खेती की जो हालत है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि खेती से जो लोग निकलेंगे वो शिल्पायन में खप जाएंगे। ये जो शिल्पायन हमारे यहां हो रहा है, जिसके अलग अलग नाम हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कहते हैं, उसके लिए एससीजेड बनाते हैं, ये शिल्पायन का क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि इस शिल्पायन में लोगों के लिए जगह नहीं है। ये जो ग्रोथ है, ये जॉबलेस ग्रोथ है, रोजगार रहित, रोजगार ही विकास है। पहले एक फैक्ट्री लगती थी 5,000, समझ लीजिए कि करोड़ रुपए नहीं, 50 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री लगती थी, तो उसमें 5,000 लोगों को रोजगार मिलता। आज 5,000 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री लगेगी तो उसमें 150 लोगों को मुश्किल से रोजगार मिल सकेगा। और इस शिल्पायन के चक्कर में हम जमीन छीनेंगे किसानों की, लोगों को बेदखल करेंगे, पर्यावरण का नाश करेंगे, नए नए माइंस तैयार करेंगे और उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को अनगिनत छूट देंगे टैक्सेशन में, सब्सिडी देंगे उनको, कंसेशन देंगे, बहुत सस्ती जमीन देंगे।
देखिए शिल्पायन की ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इससे कुछ सच्चाइयां सामने आ रही है जिन पे हमें आज देश को गौर करने की जरूरत है। एक समय था हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और एक स्टैटिस्टिक्स वाले सज्जन महारणोविस उसके मुख्य रणनीतिकार थे, तो उन्होंने तय किया कि इस देश को अब तेजी से शिल्पायन के रास्ते पर ले जाना है। उसके बाद दूसरा दौर ये 1900 पहले सरकारी पूंजी के माध्यम से, सरकारीकरण नेशनलाइजेशन के माध्यम से इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश की गई। 1991 के बाद दूसरा दौर शुरू होता है, उन्होंने कहा कि सरकारी सेक्टर के माध्यम से, पब्लिक सेक्टर के माध्यम से शिल्पायन नहीं हो रहा है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने निजी पूंजी को, विदेशी पूंजी को बुलाना शुरू किया और उसके लिए तमाम छूट और तमाम कानून नियम बदलने की बात शुरू। ये जो दो दौर हो चुके हैं इस आधुनिक शिल्पायन के, उसके बाद भी आपको मालूम कितने प्रतिशत लोगों को इसमें रोजगार मिल पाया है ये 50-60 साल के शिल्पायन के तमाम प्रयासों के बाद। इस देश में कुल श्रम शक्ति का मात्र 7% संगठित क्षेत्र में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन ये है कि किसी भी उपक्रम में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसमें हमारी तमाम बड़ी इंडस्ट्री शामिल है, मिडिल इंडस्ट्री शामिल है, हमारे सरकार शामिल है, पूरा सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, कोई व्यापार करने वाली बड़ी फर्म है तो वो भी शामिल है। ये सब मिला के इस देश के 7% लोगों को रोजगार दे पाए हैं अभी तक, बाकी पूरा देश असंगठित क्षेत्र में है। उसमें कुछ डॉक्टर है, कुछ वकील है, चासी है, किसान है, मजदूर है, मछुआरे हैं, ये सब लोग 93% असंगठित। और इसमें कुछ लोगों को छोड़ दें, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर या वकील जैसे लोगों को छोड़ दें तो बाकी सबकी हालत खराब है और खराब होती जा रही है, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। तो ये कैसा शिल्पायन है कि इतनी पूरी ताकत झोंकने के बाद सारे देश के जनता के हितों को और उनकी तकलीफों को नजरअंदाज करने के बाद, देशी पूंजी और विदेशी पूंजी की तमाम खुशामद करने के बाद भी हम देश के 7% से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, तो इस देश के आधे लोगों को भी रोजगार कब देना होगा, कब संभव होगा, ये एक मृग मरीचिका है, एक मिराज है जिसकी ओर हम आंख मूंद कर बड़े जा रहे हैं। और हमने क्या सोचा था शिल्पायन के बारे में, हमने सोचा था, हमारे अर्थशास्त्रियों ने सोचा था, हमारे योजनाकारों ने सोचा था कि शिल्पायन के लिए हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो सरकार लगाएगी कैपिटल और नहीं लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर लगाएगा और उसके लिए हमने ऐसी गेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और तमाम चीजें, तो पूंजी चाहिए और दूसरी चीज टेक्नोलॉजी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी भी विदेशी पूंजी के साथ टेक्नोलॉजी भी आ जाए। एक और फैक्टर इकोनॉमिक्स वाले जोड़ते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप, तो कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, तीन चीजें हो जाएगी तो इस देश में शिल्पायन हो जाएगा, इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक बात हमने नहीं सोची थी, हमें अब एहसास हो रहा है, अभी भी हम उसे सही फ्रेमवर्क में नहीं देख पा रहे हैं, टोटलिटी में नहीं देख पा रहे हैं कि शिल्पायन के लिए हमें बड़े पैमाने पर जमीन भी चाहिए, बड़े शिल्पायन के लिए बड़े पैमाने पर जमीन चाहिए। इसलिए हम नंदीग्राम में, सिंगूर में और देश में तमाम जगहों पर
शिल्पायन के लिए और शिल्पायन आधारित विकास के लिए किसानों को बेदखल कर रहे हैं और किसान विरोध करते हैं, चासी विरोध करते हैं, तो उन पर हमारी सरकारें लाठी और गोली चलाने में भी संकोच नहीं करती। और एक चीज चाहिए इस शिल्पायन के लिए, वो है पानी। ये जो हीराकुंड डैम के पानी को लेकर जो संघर्ष हो रहा है कि हीराकुंड का पानी कंपनियों को मिलेगा, उद्योगों को मिलेगा, इंडस्ट्री को मिलेगा या चासी को मिलेगा, किसान को मिलेगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो टकराव है, ये जो सवाल है, आज देश में जैसे जैसे हम इस गलत शिल्पायन की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर जगह पैदा हो रहा है। हमने तो सोचा नहीं था, हमें तो मालूम नहीं था जितना पानी चाहिए इंडस्ट्रीज के। पानी लेंगे, दूसरों को वंचित करके पानी लेंगे और जो पानी का स्रोत बचेगा उसको प्रदूषित कर देंगे, उसको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। जितनी देश की नदियां हैं वो सारी नदियां बर्बाद होती जा रही, खत्म होती जा रही। आप चाहे स्टील बनाना चाहे तो क्या कौन जा रहे, आप चाहे बिजली बनाना चाहे, आप चाहे एल्यूमिनियम बनाना चाहे, आप कुछ भी बनाना चाहे, तो आपको पानी चाहिए और विशाल मात्रा में पानी चाहिए। तो इस शिल्पायन के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन चाहिए, खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और उसके लिए जिन लोगों की जिंदगी उन प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है, जो भारत जैसे देशों में बहुत बड़ी तादाद है, उनको वंचित करना पड़ेगा, उनको बेदखल करना पड़ेगा और उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करना पड़ेगा। साथी किशन पटनायक की यह कर्मभूमि है, इस देश के पिछले दौर के सबसे बड़े विचार। किशन जी ने यह माइनिंग का सवाल बहुत पहले उठाया, माइनिंग पे बहुत हल्ला हो रहा है, उसके दुष्परिणाम, उसके कारण जो भी संगतियां हैं उसमें चर्चा होने लगी है, दिखाई देने लगी है। कुछ समय पहले सीएसई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, सिटीजंस रिपोर्ट, बीच बीच में दिखा रहे, उन्होंने उसमें दिखाया है कि इस देश में जितने मिनरल्स वाले इलाके हैं वही इलाके इस देश के गरीब और पिछड़े इलाके में, और वही इलाके आदिवासी इलाके भी हैं, और वही इलाके जंगल वाले इलाके भी हैं। तो ये जो कोरिलेशन है जंगल का, आदिवासी का, पिछड़ेपन का और संसाधनों का, संसाधनों की बहुलता, आजकल एक शब्द एक अर्थशास्त्र में चलने लगा है, रिसोर्स कर्स, संसाधन अभिशाप। जितने ज्यादा संसाधन होंगे आपके पास, पहले एक मुहावरा चलता था कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। तो अमीर देश कैसे, हमारे पास संसाधन तो बहुत है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है, श्रम संसाधन भी बहुत है, लेकिन हमारी विकास नीति ऐसी है और हम दुनिया के साम्राज्यवादी पूंजीवादी विकास के जाल में इस तरह से उलझे हुए हैं कि हम इन जितने ज्यादा संसाधन है उतने ज्यादा गरीब हम होते जाते हैं, और उन संसाधनों का इस्तेमाल हमारे लिए नहीं दुनिया के अमीर लोगों के लिए होता है। और ये जो पोस्को है ये क्या चीज है, पोस्को का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि हर शिल्पायन के लिए हमें जमीन चाहिए बड़ी मात्रा में, लेकिन पोस्को का मतलब यह है कि हम इस देश का लोहा, आयरन ओर, सिर्फ स्टील ही नहीं आयरन ओर एक्सपोर्ट करेंगे। पोस्को की जो योजना है, हम वो स्टील बनाएगा, स्टील भी एक्सपोर्ट करेगा और उसके साथ साथ इस देश का कच्चा लोहा भी एक्सपोर्ट करेगा। ये क्या है, ये हम पुराने औपनिवेशिक युग में जा रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड में जा रहे हैं। इसको तो हमको बहुत पहले, हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी दादा भाई नौरोजी से लेकर गांधी तक, कि ये जो दुनिया के साथ हमारा रिश्ता है,
हम अपने जिसको प्राइमरी गुड्स कहते हैं, या तो खेती में जो पैदा हो रही चीजें, या हमारे खनिज हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से तैयार माल हमारे बाजारों में आता है और हमारे बाजार पे कब्जा करता है। तो हम उस औपनिवेशिक कॉलोनियल रिश्ते में आज वापस पहुंच रहे हैं विकास के नाम पर। और नई आर्थिक नीति के नाम पर, रिफॉर्म्स के नाम पर, सुधारों के नाम पर यही सब कुछ चल रहा है। और ये जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात होती है, मनमोहन सिंह जी की स्ट्रेटेजी क्या है, इस स्ट्रेटेजी में दो मुख्य चीजें हैं, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है और दूसरा वित्त फाइनेंशियल कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, शेयर मार्केट को और तमाम चीजों को, इंश्योरेंस को, बैंक को, दूसरी तमाम वित्तीय सेवाओं को आगे बढ़ाना। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का क्या मतलब है? देखिए बहुत सीधी सी बात है, कोई जटिल उसमें सिद्धांत नहीं है। दुनिया के तमाम गरीब देशों को यह उपदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास एक्सपोर्ट बढ़ाकर ही होगा। और ये दुनिया के तमाम गरीब देश यदि एक साथ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? भारत भी चाय बेचने की कोशिश करेगा और श्रीलंका भी चाय बेचने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा। हम भी स्टील बेचने की कोशिश करेंगे और चाइना भी स्टील बेचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? हम भी कपड़ा बेचने की कोशिश करेंगे और बांग्लादेश भी कपड़ा बेचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? हम जिन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके दाम गिरेंगे। ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है इसमें हम अपना माल दुनिया के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं और उसके लिए मजबूर होते हैं। और हमारे खरीदार कौन है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास डॉलर है। तो अमेरिका, यूरोप हमारे खरीदार है, चाइना भी हमसे खरीद रहा है, लेकिन चाइना अपने लिए भी खरीद रहा है, चाइना भी उनकी दूसरी चीजें बनाकर फिर अमेरिका और यूरोप व्यापार को बेच रहा है क्योंकि परचेसिंग पावर उसी के पास। तो हम अपनी विशाल आबादी की जरूरतों को नजरअंदाज करके हम अपने लिए पैदा नहीं कर रहे, अपने लोगों के लिए पैदा नहीं कर रहे, हम उनके लिए पैदा कर रहे और इस तरीके से पूरी दुनिया उनकी सेवा में लगी, अमेरिका और यूरोप की सेवा में लगी। कहीं से उनके लिए पेट्रोल आ रहा है, कहीं से कपड़ा आ रहा है, कहीं से जूते आ रहे हैं, कहीं से सोने चांदी के आभूषण आ रहे हैं, कहीं से केला आ रहा है, कहीं से सोयाबीन आ रहा है, कहीं से बासमती चावल आ रहा है। पूरी दुनिया उनकी सेवा में लगी है। हमारे लोग भूखे नंगे हैं, हमारे लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट के चक्कर में हम उनकी सेवा में लगे। ये पुनः एक प्रकार का औपनिवेशिक रिश्ता है, औपनिवेशिक धंधा है, इसको समझने की जरूरत। और इसी में संकट आज पैदा हुआ है। आज क्या हुआ है? अब वो हालत खराब है, जीडीपी की ग्रोथ रेट नीचे आ रही, 9% से 7% आ गई और नीचे चली जाएगी। अभी जो इतना ग्रोथ रेट की बात करते हैं, अभी अहलूवालिया साहब ने एक मीटिंग में कह दिया कि 8% ग्रोथ रेट कोई गॉड गिवन गिफ्ट नहीं है, आप इसको मान के नहीं चले। तो जीडीपी का तिलिस्म टूट रहा है, एक्सपोर्ट में मंदी आ रही है क्योंकि वहां मंदी आ रही है, इंपोर्ट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और एक नया संकट इस देश में पैदा हो रहा है, वही भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट, विदेशी मुद्रा का संकट। जिस विदेशी मुद्रा भंडार को हम इतना इतरा रहे थे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जिसको उपलब्धि बता रहे थे, अब वो नीचे आ रहा है। और सरकार और सरकार ने लोगों के हाथ चेहरों पे हवाई उड़ रही है, हालत खराब है। वो ये कह रहे हैं कि ये यूरोप के संकट का असर है, मान लिया, हालांकि पूरी तरह नहीं, लेकिन भाई साहब यही तो हम कह रहे थे कि दुनिया के पूंजीवाद से, दुनिया के गैर बराबरी वाले व्यापार से, दुनिया की इस अर्थव्यवस्था से
इतने ज्यादा एकीकरण और इंटीग्रेशन की क्या जरूरत थी। हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, हमने अब यूरोप से हमारी एक समझौता होने वाला है फ्री ट्रेड का, दुनिया के कई देशों से अब हमने बायलेटरल एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो हम अपने इंपोर्ट पर रोक नहीं लगा सकते। इंपोर्ट बढ़ रहे हैं लेकिन हम रोक नहीं लगा सकते, हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते, हमारे हाथ बंद गए हैं। यही तो हम तभी से कह रहे थे जब से डंकर प्रस्ताव की बात चली थी, तभी से हम लोग ये कह रहे थे कि ये खतरनाक है, ये गलत है और ये हमारे देश को बुरी तरफ फंसाने वाला रास्ता है। यही बात हो गया। तो हमें क्या जरूरत थी दुनिया के साथ इतना ज्यादा एकाकार होने की, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन की? क्यों? दुनिया से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन दुनिया के साथ हमारा रिश्ता बराबरी वाला होना चाहिए। ये व्यापार, ये लेन देन, ये विदेशी मुद्रा, ये विदेशी मुद्रा का लेन देन, आज डॉलर रुपया लुढ़क रहा है, डॉलर 56 रुपए का हो चुका है, 56 रुपए से ज्यादा भी हो जाता है बीच में। मुझे याद है जब मैंने होश संभाला था, मैंने समझ लीजिए कि मैं कुछ 15-16-17 साल का रहा होगा, तब डॉलर मुश्किल से 7 रुपए का था, तब डॉलर 7 रुपए का था, आज डॉलर 56 रुपए का। इसके क्या मायने हैं? ये अर्थशास्त्री लोग बहुत चीजों को घुमा फिरा के पेश करते हैं, वो कहते हैं कि रुपया सस्ता होगा तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, लेकिन क्यों बढ़ेंगे, किस लिए और किस कीमत पर? और डॉलर महंगा होने का और रुपया सस्ता होने का मतलब ये है कि जिसके पास डॉलर है उसकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, और जिसके पास रुपया है उसकी परचेसिंग पावर घट रही है। एक डॉलर यदि पहले समझ लीजिए 10 रुपए का था और आज 50 रुपए का है, तो एक डॉलर से जितनी चीजें खरीदी जा सकती थी आज उससे 5 गुनी चीजें खरीदी जा सकती थी। यदि हम इन्फ्लेशन रेट को भी थोड़ा सा डाउन कर ले, दिल्ली इतनी इन्फ्लेशन तो नहीं हुई, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है और हमारी परचेसिंग पावर घट रही है। जो मैं कह रहा था कि ये एक गैर बराबरी वाला, शोषण वाला, घाटे वाला संबंध है। और देखिए, अच्छा ये जो हो रहा है, इस संकट का समाधान मनमोहन सिंह एंड कंपनी उसी रास्ते पर और आगे बढ़ने में खोज रहे हैं। उनकी हालत खराब है, शेयर बाजार कभी गिरने लगता है, जो विदेशी पूंजी को हमने बुलाया था इतनी मेहनत से, इतने उनके आगे खुशामद करके, उनके लिए अपने नियम कानून तमाम बदल के, वो विदेशी पूंजी भी भागने लगती है बीच बीच में, तो हम और तो हमारे जो सरकारें हैं वो और ज्यादा विदेशी पूंजी की और ज्यादा खुशामद करने लगते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि खुदरा व्यापार रिटेल में, तो रिटेल में विदेशी कंपनियों को इजाजत देना ही पड़ेगा, इसी तरीके से विदेशी पूंजी आएगी और इसी तरीके से भारत का विकास होगा। एक मॉरिशस रूट है, आपने सुना होगा उसके बारे में, बीच बीच में उसकी चर्चा होगी, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारी सरकारें किस तरीके से इन विदेशी पूंजी और पूंजी का सट्टा करने वालों के हाथों में बंधक बनी हुई है। मॉरिशस रूट का मतलब क्या है? ये जो पूंजी आती है दुनिया से और हमारे शेयर बाजार में एक तरीके से सट्टा, शेयर बाजार में जब वो पूंजी लगाते हैं उसका मतलब ये है कि सस्ता शेयर बेच के खरीद के और महंगा बेचना और कमा के पैसा अपने देश में ले जाना। तो इसको, इसके लिए एक शब्द है अर्थशास्त्र में स्पेकुलेशन, सट्टा। यानी आप इस देश में कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं, इस देश के उत्पादन को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंदुस्तान के शेयर बाजारों में आते हैं और यहाँ सट्टे का खेल खेलते हैं और पैसा कमा के ले जाते हैं, लेकिन उससे हमारे शेयर बाजार का इंडेक्स बढ़ने लगता है। तो ये एक कैपिटल गेन्स टैक्स है, पूंजी लाभ कर। हिंदुस्तान में किसी को भी कोई पूंजी पे लाभ होता है, हालांकि उसको सरकार ने खत्म ही कर दिया है, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो मॉरिशस के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, समझौता है, कि वो ये है कि मॉरिशस और भारत दोनों जगह टैक्स नहीं लगेगा, दोनों
तो मॉरिशस जो है टैक्स चोरों का स्वर्ग बना हुआ है, बहुत छोटा सा देश है, अफ्रीका के पास द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पूंजी अभी मॉरिशस से आ रही है, अमेरिका से भी नहीं आ रही। तो ये दुनिया की कंपनियां क्या करती है, वो मॉरिशस में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं और सिर्फ एक नाम का दफ्तर खोल देती हैं और मॉरिशस से पैसा आता है, पूंजी आते हैं और यहां से पैसा कमा के ले जाते हैं और उस पे उनको भारत सरकार को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। तो हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने एक बार सोचा कि जो टैक्स चोरी हो रही है इसकी जांच की जाए, तो उन्होंने इनमें से कुछ कंपनियों को नोटिस दिया कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन किस तरह का है, क्या करते हैं मॉरिशस में, क्या आपका धंधा है, क्या है, इसकी जानकारी हमें दी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और यशवंत सिन्हा हमारे वित्त मंत्री थे। तो जैसे ही उन्होंने इन कंपनियों की जांच करना शुरू किया, खलबली मच गई और सारी कंपनियां मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंचे कि साहब इस तरह से होगा तो हम अपनी पूंजी वापस ले जाएंगे, हम आपके देश में पूंजी नहीं लगाएंगे। तो सरकार ने, हमारे वित्त मंत्रालय ने, हमारे डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया कि मॉरिशस की जो कंपनियां इस देश में पूंजी लगा रही हैं, उनकी किसी प्रकार की जांच करने की जरूरत नहीं। और उस समय यशवंत सिन्हा की पुत्र वधु बहू इन्हीं में से एक कंपनी में काम करती। ये जो आज घोटालों और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठा है, इसका भी गहरा संबंध इन उदारीकरण की नई व्यवस्था से है। उन्नीस सौ 91 से जब से हमने इस रास्ते पर चलना शुरू किया है, इस देश में घोटालों की बाढ़ आई। देखिए 1991 के पहले इस देश में सबसे बड़ा घोटाला था ओफोर्स का। ओफोर्स का घोटाला जिसने सरकार को हिला दिया था, राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदय हुआ था इस देश में भ्रष्टाचार विरोधी एक नेता के रूप में। ओफोर्स घोटाला कितने का था, उसमें जो कमीशन के आरोप लगे थे वो मुश्किल से 50-55 करोड़ रुपए। बोफोर्स तोपों के सौदे में जो दलाली के आरोप लगे थे वो 50-55 करोड़ रुपए। और ये 91 से कुछ 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद 1991 आता है, 91 आता है और 92 में इस देश में एक नया घोटाला प्रकाश में आता है। आपको याद होगा हर्षद मेहता का नाम, शेयर और प्रतिभूति, शेयर और सिक्योरिटीज का घोटाला। और वो घोटाला कितने का था, 10,000 करोड़ रुपए का। 91 के पहले इस देश का सबसे बड़ा घोटाला 55 करोड़ का था और 91 के अगले ही साल, एक ही साल बाद इस देश में घोटाला होता है और उसकी राशि करीब होती है 10,000 करोड़ रुपए। और अब जो ये सबसे बड़ा इस देश का घोटाला है 2G स्पेक्ट्रम का, जिसको लेकर बहुत बेचैन है दुनिया की कंपनियां, वो है कि उसकी राशि जो बताई गई है 1,76,000 करोड़। तो 55 करोड़, 10,000 करोड़ और 1,76,000 करोड़ रुपया, उसकी कल्पना करने में भी थोड़ा सा मस्तिष्क परेशान हो जाता है। तो कितनी प्रगति की है हमने घोटालों में। ये जो उदारीकरण है, ये जो डीरेगुलेशन है, ये जो लिबरलाइजेशन है, ये जो जागतिकरण है, इसने इस देश में घोटालों और भ्रष्टाचार की एक नई बाढ़ को जन्म दिया है। और यदि अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल या बाबा रामदेव इस बात को बोलते नहीं है या स्वीकार नहीं करते, तो ये उनके आंदोलन की और उनके भ्रष्टाचार की समझ की बहुत बड़ी कमी है। पहले हमें बताया जाता था कि इस देश में भ्रष्टाचार का कारण है कि सरकार हर जगह छाई हुई है, सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, सरकार का नियंत्रण, कंट्रोल, रेगुलेशन, ये इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म देता है। ये स्मगलिंग इसलिए हो रही है कि आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कंट्रोल कर रखा है,
रखना है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इस देश को डीरेगुलेशन करना पड़ेगा, सरकार की भूमिका, सरकार का कंट्रोल खत्म करना पड़ेगा और सारे अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों को बाजार के हवाले से करना पड़ेगा, प्राइवेट पूंजी के हवाले करना। लेकिन वही हमारी सरकार ने किया और आज हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय कई गुना बढ़ता है। तो ये भी एक बड़ा भ्रम था। देखिए हुआ क्या कि पहले जो भ्रष्टाचार तो था और पब्लिक सेक्टर में भी काफी भ्रष्टाचार था, लेकिन उसका इलाज ही नहीं। और पब्लिक सेक्टर में जो भ्रष्टाचार होता था उसमें जो मैनेजर होते थे, उसके जो अफसर होते थे और जो मंत्री होते थे वो पैसा खाते थे, कमीशन लेते थे, लेकिन उसकी मात्रा कम थी। जब ये निजीकरण का दौर आया तो उन्होंने सोचा कि ये पब्लिक सेक्टर हमारे हाथ में रहेगा तो एक साल में कितना कमाई हमारी होगी और फिर उसके बाद ठिकाना नहीं है हम इस पोस्ट पे रहे नहीं रहे, तो ऐसा करो ये पूरे पब्लिक सेक्टर को बेच तो एक मुश्त हमारी कितनी कमाई हो जाएगी। तो उन्होंने और जितना लिबरलाइजेशन होता गया, जितना डीरेगुलेशन होता गया, जितना डी कंट्रोल होता गया, इस देश में भ्रष्टाचार और खास तौर पे प्राइवेट कैपिटल का भ्रष्टाचार, कंपनियों का भ्रष्टाचार और कंपनियों के साथ मिलके हमारे अफसरों और नेताओं का भ्रष्टाचार बढ़ता गया, उसमें सारे नियंत्रण दूर हो गए। मैं कुछ और चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उदारीकरण के संदर्भ में शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा का निजीकरण बहुत तेजी से, और शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, एक धंधा बन गया है, उसका एक कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, शिक्षा का एक बाजार बन रहा है। और जो हमारे शिक्षण संस्थान है, जो हमारे स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और कोचिंग के संस्थान है, ये शिक्षा के मंदिर न रहकर शिक्षा की दुकानें बन गई। और जैसे आप संबलपुर में कपड़ा खरीदने जाएंगे तो आपको ऐसी दुकान भी मिलेगी जहां सस्ता कपड़ा मिल जाएगा और ऐसी दुकानें मिलेगी जहां बहुत महंगा कपड़ा होगा, तो आपकी जैसी हैसियत होगी वैसी दुकान में आप घुसेंगे। तो उसी तरीके से इस देश में शिक्षा एक शिक्षा की दुकानें हो गई, कितनी कैटेगरी हो गई है। एक समय में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन ने यह मुद्दा उठाया था कि आजाद हिंदुस्तान में दोहरी शिक्षा नहीं होना चाहिए, ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं होना चाहिए, ये दून स्कूल जैसे स्कूल नहीं होना चाहिए, पब्लिक स्कूल जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, इस आजाद भारत के बच्चों को बिना भेदभाव के एक सी शिक्षा मिलना चाहिए, अमीर और गरीब। लेकिन वो दोहरी शिक्षा की बात करते थे, आज तो शिक्षा की दुकानों की कई श्रेणियां बन गई है, कई लेयर्स बन गए, कई परतें बन गए। आपको 20,000 रुपए महीने वाला स्कूल भी होगा और आपको आपके गांव के में सबसे सस्ता और घटिया प्राइवेट स्कूल भी होगा जिसमें 100 रुपए फीस होगी और वो भी देने की हैसियत नहीं है तो आपके लिए सरकारी स्कूल इस देश के सबसे गरीब और सबसे लाचार लोगों के लिए रह गया है। वो भी उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है, अभी भी देश में 60-70% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते। तो जिन स्कूलों में हम सब लोग पढ़े थे एक समय में, उसमें कमियां थी, उस शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी, उसकी सीमाएं थी, वो बहुत कम लोगों को उपलब्ध थी, लेकिन उसमें कम से कम अफसर का बच्चा भी पढ़ता था और मजदूर का, चपरासी का बच्चा भी पढ़ता था, सेठ का बच्चा भी पढ़ता था और मजदूर का बच्चा भी पढ़ता था। शिक्षा में एक तरह की समानता, एक सीमित हद की समानता थी। आज शिक्षा में भयंकर गैर बराबरी है और ये जो व्यवसायीकरण हुआ है, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है, इसमें इससे कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। ये जो हम अपने बच्चों को 3-4 साल की उम्र से कॉम्पिटिशन में छोक रहे हैं, हमने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया,
ये जो पूरा दौर आया है ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के को ध्वंस करने वाला हुआ है। हम सर्व शिक्षा अभियान चलाते हैं, हम शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा के बाजारीकरण और शिक्षा के व्यवसायीकरण के माध्यम से हम इस देश में नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं कि आप गरीब है तो आपको अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा, या जिसको गुणवत्ता, हालांकि गुणवत्ता तो कोर्स में कहना पड़ेगा, वो उसमें सवाल है, उसकी शिक्षा, लेकिन अलग अलग तरह की शिक्षा, आपको अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार। और ये जो शिक्षा अधिकार कानून हमने बनाया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी कितने साल का अधिकार देता है। एक तो आपको जो अधिकार दे रहा है वो सबसे सस्ते और सबसे घटिया शिक्षा का अधिकार दे रहा है। देखिए ये जो शिक्षा का भेद बड़ा है, जितना आपने प्राइवेटाइजेशन हुआ है उतना आपने निश्चित कर दिया है कि सरकारी शिक्षा की हालत बिगड़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसकी भी हैसियत है उसके बच्चे अब सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं, तो सरकारी स्कूल और ज्यादा उपेक्षित होते जा रहे हैं। तो आपने जो अधिकार दिया वो सबसे घटिया शिक्षा का दिया, जहां शिक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है। दूसरी तरफ आपने मात्र आठवीं कक्षा तक जो शिक्षा अधिकार कानून है, आठवीं तक, आठवीं के बाद क्या होगा? क्या आठवीं कक्षा पास करके, आठवीं कक्षा की पढ़ाई करके आप रोजगार के बाजार में किसी भी तरह के प्रवेश पा सकते हैं क्या? तो आठवीं के बाद क्या होगा? और यदि आपका बच्चा होनहार है, पढ़ने में तेज है, IIT में जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो पहले कुछ गुंजाइश थी, लेकिन अब यदि आपके पास 5-10 लाख रुपया नहीं है पहले कोचिंग के लिए और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज और ये तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस देने के लिए, तो आपके बच्चे के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो हम शिक्षा में नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं। हम इस देश के साधारण गरीब बच्चों को और नौजवानों को शिक्षा से वंचित करने की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 को जिस हमने जिस आजाद हिंदुस्तान में प्रवेश किया था, जो सोचा था, वो उससे अब हम आगे नहीं जा रहे, अब हम पीछे जा रहे हैं। शिक्षा का बाजार बना के, सेहत का, स्वास्थ्य का बाजार बना के, स्वास्थ्य का जो बाजार बन रहा है इसका क्या मतलब है? इसको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। 5 रुपए की दवाई से काम चल सकता है, 500 रुपए की दवाई लगता है डॉक्टर, बिना ऑपरेशन के प्रसव हो सकता है लेकिन जबरदस्ती सीजेरियन कराया जाता है। मरीज की मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी उसको एक दिन उसपे क्या वेंटिलेटर पे रखा जाता है। बिल नहीं दे सकते तो आपको लाश नहीं उठाने दी जाती है। घोर अमानवीयता, घोर मुनाफाखोरी। शिक्षा और स्वास्थ्य को यदि आप मुनाफाखोरी का क्षेत्र बनाएंगे तो उसके यही नतीजे होने वाले हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल हो गए, फोर्टिस जैसे हो गए, मेदांता जैसे हो गए, एस्कॉर्ट जैसे हॉस्पिटल हो गए। अब हमारे यहाँ क्या वो हेल्थ टूरिज्म की इंडस्ट्री विकसित हो गई है, दुनिया के दूसरे देशों से लोग अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कौन आ रहे हैं? और हिंदुस्तान के साधारण लोगों के लिए उन श्रेष्ठ अस्पतालों के, वो क्या कहते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दरवाजे खुले हैं क्या? आपके पास 5 लाख रुपया नहीं है, 10 लाख रुपया नहीं है तो आपके इलाज का अधिकार नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। इसमें तो कम से कम आजाद हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन भेदभाव खत्म करने के बजाय हम घोर गैर बराबरी आधारित एक व्यवस्था बना रहे हैं, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। एक तरफ अंबानी का मकान बनता है, मुकेश अंबानी का 9,000 करोड़ रुपए मुंबई में, या एंटीरिया 9,000 करोड़ रुपए का मकान एक परिवार का, जिसमें मियां बीवी और 2 बच्चे हैं, कितना 30-35 मंजिला और एक मंजिला 2 मंजिल की ऊंचाई के बराबर।
उसमें तीन हेलीपैड है, स्विमिंग पूल है, उसकी जो छह तल है, छह मंजिल है, वो सिर्फ कारों की पार्किंग के लिए, की पार्किंग होगी तो बहुत सारी कारें आएगी तो कमा नहीं, तो छह फ्लोर जो है वो सिर्फ कारों की पार्किंग के लिए, ये विलासिता का तांडव। और दूसरी तरफ इस देश के साधारण इंसान को दो कमरे का एक मकान बनाने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत पैसा जुटाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो ये जो घोर गैर बराबरी, गैर बराबरी पहले से थी, लेकिन उदारीकरण की 20 वर्षों में इस देश में भयंकर गैर बराबरी विकसित हो गई, हर क्षेत्र में विकसित हो गई। हमारे संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है, क्या समानता है, समाजवाद, जीने का अधिकार, ये सारे सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए हम इस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उदारीकरण का नतीजा। और भी चीजें, पर्यावरण का नाश हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये वृद्धि, ये ग्रोथ प्राकृतिक संसाधनों की जबरदस्त लूट पर आधारित है। आधुनिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और श्रम की अनिवार्य रूप से लूट पर आधारित है। जब कार्ल मार्क्स ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि जो पूंजी का स्रोत है, जो सब जो जो कैपिटल अक्यूमुलेशन का स्रोत है, वो है श्रम का शोषण, लेकिन मार्क्स की ये जो बात बहुत बुनियादी बात होते हुए भी अधूरी थी, उसके साथ प्राकृतिक संसाधनों की लूट को भी जोड़ना पड़ेगा, औपनिवेशिक शोषण को भी जोड़ना पड़ेगा। बिना औपनिवेशिक शोषण के, बिना औपनिवेशिक लूट के, बिना कॉलोनियल लूट के ये आधुनिक विकास नहीं हो सकता है। और यदि दुनिया के बाहर, और यदि अब उपनिवेश नहीं है तो उसके नियो कॉलोनियल तरीके विकसित कर लिए गए, और बाहर उपनिवेश नहीं मिलता है तो हम देश के अंदर उपनिवेश बना लेते हैं, जिसको आंतरिक उपनिवेश, इंटरनल कॉलोनी कहा जाता है। जो मैंने कहा तो भारत के जितने प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इलाके हैं, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ये सारे जो इलाके हैं ये इस देश के उपनिवेश कॉलोनी, सब इन इलाकों में अलग राज्य बनाने का एक आंदोलन चला, और इसी बीच में झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जो बिल्कुल एक जायज मांग थी। लेकिन ये जो अलग पृथक राज्य बनाने के आंदोलन थे, इसके पीछे जो पीड़ा थी, इसके पीछे जो लोगों की आकांक्षा थी, वो ये थी कि हम भी बराबरी चाहते हैं, हम उपनिवेश बनकर नहीं रहना चाहते, हम पिछड़े बनकर नहीं रहना चाहते। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद इन राज्यों की सरकारें क्या हुआ, इन राज्यों की तरफ अंगीकार कर लिया, और नतीजा ये हुआ कि उन राज्यों की स्थिति आज कोई बेहतर नहीं है, बल्कि कई मायनों में बदतर है। तो यदि कभी कौशल प्रदेश बनेगा, तो कौशल प्रदेश बनने के बाद भी यदि इसी आर्थिक नीति पर चलते रहे, इसी विकास नीति पर चलते रहे, तो कौशल प्रदेश बनने के बाद भी निराशा ही बात लगेगी। ये उदाहरण ये आज हमारे सामने है। तो अलग राज्य के साथ विकास की एक वैकल्पिक नीति को हमें सोचना पड़ेगा, अख्तियार करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि जब राज्य बन जाएगा तब देखेंगे, हमें आज से उसके बारे में सोचना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि यदि हमारे भूमि पुत्रों का विकास करना है तो एक अलग तरह के विकास का मॉडल उनको चाहिए। और हमें यह भी कहना पड़ेगा कि ये जो उन्मुक्त बाजारवाद है, ये दुनिया के लिए विनाशकारी है, ये गलत है। देखिए, बाजार की तो एक जगह है ही, सोवियत संघ का जो प्रयोग था उससे हमको ये तो सीखा कि पूरी तरह बाजार को खत्म नहीं किया जा सकता, बाजार की एक जगह रहेगी, लेकिन बाजार उन्मुक्त होगा या बाजार पर समाज का नियंत्रण होगा, ये फैसला हमें करना पड़ेगा। बाजार को मुक्त छोड़ना एक राक्षस को मुक्त छोड़ना है, बाजार पर समाज का, जनता का, सरकार का, देश का नियंत्रण होना चाहिए।
और कुछ चीजों में बाजार का पूरी तरह से निषेध करना पड़ेगा, जैसे शिक्षा का बाजार नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य का बाजार एक विकृति है, एक बर्बरता है, पानी का बाजार एक बर्बरता है। पानी के निजीकरण का मतलब क्या है? पानी का बाजार बनने का मतलब क्या है? पानी के बाजार बनने का मतलब यह है, ये जो बोतलें बिक रही है 15 रुपए की एक लीटर बोतल, या आप बोतल खरीदने का पैसा नहीं है तो पाउच खरीदिए। दुनिया भारत के कई नगरों में अब निजी पानी सप्लाई का काम निजी कंपनियों को देने की तैयारी चल रही है, कुछ जगह हो भी गया है। निजी कंपनी को देने का मतलब क्या है? संबलपुर की पानी के सप्लाई का काम किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो तो पैसा वसूलेगी, उसको मुनाफा कमाना है। और संबलपुर का जो परिवार उसका पैसे का भुगतान नहीं कर पाएगा उसकी उसका नल काट दिया जाएगा। तो जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको पानी का अधिकार भी नहीं होगा। मानव इतिहास में ऐसा युग कभी नहीं आया था। पानी का अधिकार तो हर व्यक्ति का था, लेकिन आज पूंजीवाद के इस दौर में, जागतिकरण के इस दौर में यह तैयारी की जा रही है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको पीने के पानी का अधिकार भी नहीं होगा, स्वच्छ पानी का अधिकार भी नहीं होगा, उसके बच्चों को शिक्षित होने का अधिकार भी नहीं होगा, बीमार होने पर उसको अपना इलाज कराने का भी अधिकार नहीं होगा। इतना निजीकरण, इतना बाजारीकरण आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो दुनिया के और पूंजीवादी देशों में भी नहीं हुआ। ये अंधाधुंध निजीकरण है, ये पागलपन है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा का जितना निजीकरण जितना बाजारीकरण आज हिंदुस्तान में हो रहा है उतना अमेरिका में नहीं हुआ है, कनाडा में नहीं हुआ है, यूरोप के देशों में नहीं हुआ है। ये पागलपन है, ये आत्मघाती है, आत्महत्या है, देश की आत्महत्या है, जिसकी ओर हमारे मनमोहन सिंह जी और उनके नेतृत्व में चांदाल चौपड़ी, जिसमें अहलूवालिया है, रंगराजन है, कौशिक बसु जैसे लोग हैं, तमाम लोग हैं। अब सवाल यह आता है अंत में कि विकल्प क्या है? ये उदारीकरण यदि विनाशकारी है, यदि देश के खिलाफ है, जनहितों के खिलाफ है, आत्मघाती है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? कुछ लोग 1991 की पहले की हालत में वापस जाना चाहते हैं। जैसे मेरे गुरु भी रहे हैं सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष की किताब है द मार्केट दैट फेल्ड, उस किताब का शीर्षक है, अच्छी किताब है, अच्छा विश्लेषण, लेकिन उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि सब कुछ जो गलत हुआ वो 91 के पहले सब ठीक था, लेकिन 91 के बाद जो हुआ, 91 के बाद जो हुआ, उस 91 से जो कुछ हुआ उसके बीच कहीं ना कहीं 91 के पहले की विकास नीति में मौजूद थे। जैसा मैंने कहा, जिस तरह का शिल्पायन हम करना चाहते थे, हमने पहले सरकारी पूंजी से करने की कोशिश की, उसमें फेल हुए, तो अगला कदम प्राइवेट पूंजी और वैश्विक पूंजी, मल्टीनेशनल पूंजी तो था। उसी तरीके से इस देश में जो निजीकरण का जो माहौल, निजीकरण को जो स्वीकृति मिली है वो सरकारीकरण की विकृतियों के कारण एक हद तक उसको जो स्वीकृति मिली है। तो जो लोहिया जैसे लोग कहा करते थे कि हम सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते, हम समाजीकरण चाहते, हमें विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, हमें छोटे उद्योग, ये शिल्पायन ये नकली शिल्पायन है, हमें एक वैकल्पिक शिल्पायन के बारे में सोचना पड़ेगा, गांव गांव में छोटी छोटी इकाइयां हो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम 100 साल या 150 साल पहले की अवस्था में जाएं। आज यदि हम गांधी की बात को मानेंगे, गांधी की राह पर चलेंगे, तो उसमें एक नया रूप लेना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना भी पड़ेगा। तो गांव आधारित, छोटी इकाइयों पर आधारित, समाज के नियंत्रण और समाज के जो है वर्चस्व पर आधारित हमें एक नई विकास नीति के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो लेन देन है, जो विनिमय है,
जब तक दुनिया में घोर गैर बराबरी है, साम्राज्यवाद है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। स्वावलंबन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमने जो भी स्वावलंबन की कोशिश की थी 91 के पहले, हमने एक एक करके उस स्वावलंबन को नष्ट किया। जैसे खाद्य स्वावलंबन, इस समय आप देख रहे होंगे कि खाने के तेल की कीमतें अभी पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी, एडिबल ऑयल। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सूखा पड़ा है, वहां से सोया तेल नहीं आ रहा। इस समय हमारा आधा खाने का तेल विदेश से आ रहा, और एक समय में 1993 के लगभग हम खाने के तेल के मामले में स्वावलंबी हो गए थे, आत्मनिर्भर हो गए थे। तो स्वावलंबन की नीतियों को हमने छोड़ा है, क्योंकि हमारे जो ये अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं और ऐसे तमाम लोगों ने कहा कि भैया दुनिया खाने के स्वावलंबन की क्या जरूरत है, देश में पैदा करने की क्या जरूरत है, एक्सपोर्ट के लिए पैदा करो, और जरूरत होगी कमी पड़ेगी तो हम दुनिया के बाजार से ले लेंगे। हम शरद जोशी जैसे लोगों ने भी कहा, चासी नेताओं ने यह कहा कि हमें एक्सपोर्ट के लिए खेती करना चाहिए, देश अपनी जरूरत के लिए खेती नहीं करना चाहिए, और खाद्यान्नों की कमी होगी तो हम दुनिया के बाजार में बहुत सस्ता मिल रहा तो हम वहां से ले लेंगे। लेकिन वही दुनिया के बाजार में जो सस्ता होता है वो बीच में महंगा हो जाता है। बीच में ऐसी हालत आई कि हमने गेहूं जो देश के किसानों ने गेहूं पैदा किया उनको हमने दिया 8.5 रुपया एक किलो का, और विदेशों से हमने इंपोर्ट किया 15 रुपए किलो। तो इस तरह की विसंगतियां, इस तरह की मुसीबतें बार बार आएगी स्वावलंबन की राह को छोड़ने पर। तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, हमें पहले अपने को देखना पड़ेगा, अपने देश की जरूरतों को देखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट वाले पागलपन को छोड़ना पड़ेगा और बाजार को नियंत्रित करना पड़ेगा। एक नए प्रकार के समाजवाद के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। उसको आप समाजवाद का नाम दे, और भी कुछ नाम दे सकते हैं, नाम का मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें विकेंद्रीकरण हो, छोटी इकाइयां हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार से बेदखल न किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन पे स्थानीय लोगों का अधिकार हो, उनका पहला अधिकार हो, उनको फैसला लेने का अधिकार हो, और उसके जहां तक हो सके उसके संरक्षण की और सीमित स्थानीय रूप से उपयोग की बात के बारे में सोचा जाए। हमें सोचना पड़ेगा, जैसे हमारे कोयले का संकट पैदा हो गया, आज हमारे बिजली बनाने के लिए हमारे पास कोयला नहीं है, कोयला का भंडार इतने ज्यादा हमने एग्रीमेंट कर लिए, इतने ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को हमने ये बिजली बनाने के एग्रीमेंट कर लिए हैं कि उनको देने के लिए हमारे पास कोयला नहीं होगी। यदि इस तरीके से चलते रहे तो हमारा कोयले का भंडार मुश्किल से 20-25 सालों में, 15-20 सालों में खत्म होगा। तो इन सारी बुनियादी चीजों के बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और एक बार फिर हमें गांधी लोहिया जयप्रकाश की बातों पर विचार करना पड़ेगा, और एक नई परिवर्तन की, ये आसान नहीं है, ये जो परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, इस तरह के बदलाव आसान नहीं है, इसके लिए पूरे देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान जो विकास नीति, जो आत्मघाती अर्थनीति है, इसमें गहरे निहित स्वार्थ हैं। इन निहित स्वार्थों से टकराने के लिए इस देश में जनशक्ति को तैयार करना पड़ेगा। ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है, और इसकी शुरुआत आज से हो सकती है और आपसे हो सकती है। धन्यवाद।